नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई कि दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला। तो दोस्तों, कर्मचारियों के हक के लिए सरकार ने ऐसा कौन सा बड़ा फैसला किया है उसके बारे में हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, सितंबर के आखिरी सप्ताह में केंद्र सरकार ने करीब 62 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ी खुशखबरी दी थी। मोदी सरकार ने कर्मचारी का महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया था। इसके बाद झारखंड सरकार ने डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। अब बिहार सरकार ने कर्मचारी और पेंशनधारकों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारी और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया गया है। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 21 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारी और पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। दोस्तों, महंगाई भत्ता बढ़ने के प्रस्ताव के बाद अब बिहार सरकार के कर्मचारियों को 34% की जगह 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से मान्य होगा। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए एमरजेंसी फंड से 500 करोड़ की आवंटन को स्वीकृति दी है। इसके अलावा राज्य के 11 जिलों के 96 प्रखंडों के 7,841 गांव को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के हिसाब से 3500 रुपये प्रति परिवार सहायता राशि देने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।